दोस्तों, जो नागमणि होती है उसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वह सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार जितना मर्जी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना, ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। ऐसे में एक सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटी, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में मोक्ष और वीर नाम के दो व्यक्ति रहा करते हैं। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली भी करती थी। एक बार वीर की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो वीर ने मोक्ष से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को घर ले जाओ, मैं अपनी बकरी को ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो कि शायद जंगल में थोड़ा और अंदर चली गई है। उधर दोस्तों, नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब वीर अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय वीर बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब वीर ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वह समझ गया कि ये चमकती हुई चीज और कुछ नहीं है बल्कि एक नागमणि है। उसने नाग को पहले डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है, तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल के उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया। और वो ये भूल गया कि वह जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वह बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई थी। इधर दोस्तों, जब नागिन वापिस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। वीर ने अब एक बहुत बड़ी गलती यहाँ कर दी थी, उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वह नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में पता ही ना चलता। उधर वीर बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। वीर जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और इच्छा जाहिर की कि जो बकरी मेरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वीर दोस्तों ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वह भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हुई थी, परंतु वह विवश थी क्योंकि वीर के पास नागमणि थी और वह तब तक वीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के कोई भी रूप धारण तो कर ही सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया और वह पहुंच गई उस गांव में। दोस्तों, वीर किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में वो आकर बैठ गई और रोने लगी। जब वीर ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा, आप क्यों रो रही हैं? नागिन के भेष में युवती ने कहा, मेरा नाम किरण है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। वीर को स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से वीर बहुत ही मोहित भी हो चुका था।
और दोस्तों वो उसे अपने घर ले आए। धीरे धीरे नागिन और वीर के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि वीर को पता ही नहीं चला कि कव्य स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन वीर और किरण यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर किरण ने वीर से पूछा, वीर तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो वीर ने बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने गले में पहन रखा है। दोस्तों ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। अब किरण बोली कि क्या तुम मुझे इस आभूषण को कुछ देर के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहन कर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर वीर चिल्लाते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर किरण एकदम से गुस्सा होकर बोली, वीर तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और बस एक तुम्हारे गले की छोटी सी आभूषण को क्या मांग लिया? इस चीज के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? तुम रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों फिर वीर ने ना चाहते हुए भी वह आभूषण किरण को दे दिया और किरण को देते हुए ये बोला कि ठीक है कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। किरण के हाथ में जैसे ही नागमणि आई, किरण का रूप एकदम से बदलने लगा। वह एक पल में ही किरण एक सुंदर कन्या से भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार वीर को डसा और डस डस कर मार डाला। नागिन का दोस्तों इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है, जिसके बाद से वहां कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहां गायब हो जाती है, किसी को कुछ नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 सालों से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को भूल कर भी उससे छीनना नहीं चाहिए, अन्यथा दोस्तों वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और आपको ये घटना कैसी लगी, इसके बारे में क्या कहना है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। साथ ही इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।